Hello students, today we see the open loop system examples. In this we see the first example, that is automatic toaster system. In this automatic toaster system, the block diagram is there. That is, this is the block diagram of automatic toaster system. In this block diagram consists of desired time, relay or a controller, heating process of bread, the actual toaster. They see the working principle, that is the desired time will be sent to the relay or the controller. Then relay or a controller has again one input, that is from power input. This relay or controller, it will gives the output to the heating process of the bread, and this process, it will heat up our bread and gives out the actual toast. Okay, this is the example of open loop system. Then see the one by one points. First point is there, this is the simple automatic toaster system. In this, relay considered as a controller and heating process is used. ये जो system है वो simply automatic है और इसमें रिले जो यूज किया है वो एज अ कंट्रोलर यूज किया है. रिले यानी वो स्विच ही होता है, ठीक है, एज अ कंट्रोलर करके यूज किया है. और इसमें कौन सी प्रोसेस यूज किए हैं, हीटिंग प्रोसेस यूज की है, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, एट द स्टार्ट कंट्रोलर हैज अ टू इनपुट, वन इज पावर एंड अदर इज डिजायर्ड टाइम. ओके, ऑलरेडी शोन इन डायग्राम देयर आर टू इनपुट, डिजायर टाइम एंड पावर इनपुट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर कंट्रोलर आउटपुट इज गिवन टू द हीटिंग प्रोसेस. इन हीटिंग प्रोसेस द ब्रेड विल हीट एट डिजायर टाइम. तो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर आउटपुट हीटिंग प्रोसेस को प्रोवाइड करता है. और हीटिंग प्रोसेस क्या करता है, जो भी ब्रेड है उसको डिजायर टाइम पे क्या करता है, हीट करता है, ठीक है. उसके बाद आफ्टर हीटिंग प्रोसेस एक्चुअल टोस्ट विल बी आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है. हीटिंग प्रोसेस होने के बाद जो भी अपना एक्चुअल टोस्ट है वो बाहर आ जाता है सिस्टम के, ठीक है. उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं अपन लोग. सेकेंड एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक रूम हीटर. ओके, इन दिस ऑटोमेटिक रूम हीटर अगेन द ब्लॉक डायग्राम इज देयर. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम सेम एज ऑफ ऑटोमेटिक टोस्टर सिस्टम. ओके, ओनली डिफरेंस इज दैट हीटिंग प्रोसेस ऑफ द रूम. ओके, ब्रेड की जगह पे क्या है, इधर रूम है, ठीक है. और इधर भी क्या है, एक्चुअल रूम टेम्परेचर. इसका भी वर्किंग सेम रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, हीटिंग प्रोसेस ऑफ द रूम. देन सी द वर्किंग, द डिजायर्ड टाइम विल बी गिवन टू द रिले और द कंट्रोलर. देन रिले और द कंट्रोलर हैज अगेन टू इनपुट्स, दैट इज पावर इनपुट एंड डिजायर्ड टाइम. Then this relay or controller output will be given to the heating process of the room. Then this process will use to heat the room, and this heating process of the room will gives our actual room temperature. Okay, this is the working of this automatic room heater. Then see one by one point. Then see the first point, that is, it is simple automatic system of the room temperature, which is consist of relay as a controller and electric coil and heating process at the specific level. ये block diagram का दिया हुआ है कि block diagram में क्या क्या है. Firstly क्या है, that is relay as a controller, electric coil and heating process. Electric coil किसके लिए use किए हैं, for heating purpose. Okay, next point देखो क्या है. नेक्स्ट है, द टेम्परेचर गोज एट अ स्पेसिफिक लेवल एंड कंट्रोलर हैज अ टू इनपुट, दैट इज डिजायर्ड टाइम एंड पावर इनपुट. ऑलरेडी मैंने ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से एक्सप्लेन किया है कि क्या है,
the temperature goes at specific level and the controller has a two input, that is desired time and a power input. Okay, next point, dekho, the output of controller given to heating process, जो भी कंट्रोलर का आउटपुट है वो कहाँ पे देता है, कहाँ पे भेजता है, हीटिंग प्रोसेस को. देन आफ्टर हीटिंग प्रोसेस द एक्चुअल टेम्परेचर राइजेस द रूम, रूम टेम्परेचर. ओके, तो हीटिंग प्रोसेस से क्या होता है, जो भी एक्चुअल टेम्परेचर है अपना रूम का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. ठीक है, राइज मीन्स बढ़ जाता है. ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं ओपन लूप सिस्टम के. देन सी, दीज आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रिक फैन, लैंप विथ स्विच, कॉफी मेकर, वॉशिंग मशीन, हैंड ड्रायर, वाटर हीटर. ठीक है, तो ये जो सब सिस्टम्स है वो ऑटोमेटिक नहीं है, है ना. तो जो भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है वो ओपन लूप सिस्टम में आते हैं. ठीक है, तो वॉशिंग मशीन ये है ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन नहीं है. ठीक है, पहले जो मशीन थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी, तो वो ये वॉशिंग मशीन है. ठीक है, अभी के वॉशिंग मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. उसके बाद में देखो एडवांटेज दिए है ओपन लूप सिस्टम के, तो फर्स्ट है दिस सिस्टम आर सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ड्यू टू दैट कॉस्ट इज लो. इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, सिंपल है और कॉस्ट भी क्या है, लो है. दिस सिस्टम आर मोर स्टेबल, स्टेबल इसका जो है सिस्टम जो है क्या है, मोर स्टेबल है. मेंटेनेंस ऑफ द सच सिस्टम इज इजी, इसको रिपेयर करने के लिए इजी होता है. मीन्स मेंटेनेंस जो है इसका बहुत इजी है. उसके बाद इंस्टॉलेशन भी क्या है, इजी है. इंस्टॉलेशन इज इजी, इट कंज्यूम्स लेस पावर फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए इसको पावर भी कम लगता है. यूजफुल व्हेन आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर, जो ये किसके लिए यूज होता है, अगर आउटपुट मेजर करने के लिए क्या है, डिफिकल्ट है, तो उसके लिए हम ओपन लूप सिस्टम यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद में देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम. ओके, सी द डिसएडवांटेज ऑफ ओपन लूप सिस्टम, फर्स्ट इज एक्यूरेसी कैसी है उसकी, लेस है. उसके बाद रिस्पांस भी कैसा है उसका, स्लो है. उसके बाद नेक्स्ट है दिस सिस्टम आर नॉट रिलेबल, सिस्टम कैसी है, रिलेबल नहीं है. उसके बाद में है आउटपुट अफेक्टेड बाय इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, आउटपुट जो है इसका इंटरनल एक्सटर्नल से क्या होता है, अफेक्टेड हो सकता है. उसके बाद में है इट कैन नॉट सेंस इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो सेंस नहीं कर सकती है. उसके बाद क्या है, कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड टाइम टू अचीव मोर एक्यूरेसी. अगर इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी हो ओपन लूप सिस्टम की, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम पे क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद में इसकी जो बैंडविड्थ है वो कैसी है, स्मॉल है. ठीक है, उसके बाद में देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज लूप सिस्टम. ओके, थैंक यू.